की है। हमारे साथ जो टेक्निकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं शायद जादव साहब और मुदित जी, उन्होंने और स्टॉक कॉल्स निकाली होंगी। जादव साहब बताइए, कहाँ आपको एक अच्छी बाइंग पैटर्न दिख रहा है और कौन कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए फिलहाल? देखिए, अभी इमीडिएटली बाय करना है वो बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस ने एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस 3470 का रहेगा और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ 3650-3700 के अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में काफी स्टॉक्स उभर के आ रहे हैं, एक्सिस बैंक पे ध्यान देना चाहिए। एक्सिस बैंक में भी मुझे लगता है कि काफी अपसाइड आ जानी चाहिए। इधर स्टॉप लॉस 4649 का रखेंगे, 2 दिनों का ट्रेड रखेंगे और टारगेट के लिए 683। इंडसइंड में भी काफी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा था और उधर से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल रही है कपल्ड विथ लॉन्ग पोजिशन। तो मेरा मानना है कि इधर भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1340 का और टारगेट के लिए मैं मानता हूँ कि 1400-1410 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तो 2 स्टॉक कॉल्स आपने दिए इंडसइंड बैंक और एक्सिस पर। मुदित जी, जी हाँ हाँ, अनिल अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हैं चेयरमैन वेदांता ग्रुप के। अनिल जी, आपका स्वागत है। बताइए, किस हिसाब से आप इन कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं? फिलहाल हमारे देश भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो साउथ एशिया में फिलहाल सबसे अच्छा है, आपकी पहली राय? ये गेम चेंजर है जो हुआ है, ऐसा किसी ने आशा नहीं की थी। और ये जो इसमें सारे कॉर्पोरेट जो बहुत दिनों से सोच रहे थे और लग रहा था कि बहुत टाइम लगेगा, इन्होंने ओवरनाइट कर दिया, बहुत बधाई हो गवर्नमेंट को। हाँ अग्रवाल साहब, बात ये हो रही थी अक्सर कि केपेक्स साइकिल जो है वो हिंदुस्तान में रुकी हुई है, आपके हिसाब से जितने भी आपके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं क्या वो उस साइकिल को दोबारा शुरू करेंगे और कहाँ आपको लगता है डिमांड फिलहाल अटकी हुई है? सरकार को कौन से ऐसे और कदम बढ़ाने चाहिए डिमांड साइड पर जो कि उस तरफ से भी जो नलका है वो खुले? अभी ये जो हुआ है इसमें अभी हिंदुस्तान में इतना कुछ, पूरी दुनिया में पैसा खाली पड़ा हुआ है। आज भी आप, मैं एफटी का सुबह अखबार देख रहा हूँ, उसमें लिखा है कि सारे कॉरपोरेट और लोगों के पास वर्ल्ड में एक्स्ट्रा फंड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको डिप्लॉय कहाँ करें। जीरो इंटरेस्ट पे भी उनको उनके पैसे लग नहीं रहे हैं। ये हालात में हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हम लोग ब्रिज बना सकते हैं, जिसमें कि लोगों को कम्फर्ट दे सकते हैं। कम्फर्ट हमने दे दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स हम वर्ल्ड लेवल पे ले आए 21%, तो मूड लोगों का चेंज होगा। चाइना से लोग लगाना नहीं चाहते हैं, हिंदुस्तान बहुत बड़ा बेट है और लोगों को अब लगेगा कि कॉर्पोरेट टैक्स एक लेवल पे आ गया है। दूसरा, मैं अलग बात कर रहा हूँ, एक काम जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, बट हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बैंक पब्लिक सेक्टर है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर कंपनी से आती हैं। गवर्नमेंट को एक बार में जैसे इन्होंने टैक्स में किया, वैसे सारी उनकी होल्डिंग 50% पे लानी पड़ेगी। वो लाते ही 2-2 गुना प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा और सारी इकोनॉमी हिंदुस्तान की बदल जाएगी। मैं अलग सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, बट मेरे को लगता है इस साइकिल में जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, नीचे छोटी छोटी कंपनियां आएंगी, हिंदुस्तान एंटरप्रेन्योर जगह है। आप देखिए ना, मार्केट कैसा बाउंस किया है, मैंने कभी देखा नहीं कि छोटे से अनाउंसमेंट ये हुआ है, 1000 पाउंड मार्केट बाउंस कर गया। मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक लगता है। अभी बहुत लोग दुखी हो गए हैं जी, बहुत नेगेटिव हैं, बहुत डिप्रेस हैं जी। और ये बात अक्सर होती थी कि जो एनिमल स्पिरिट्स हैं कॉर्पोरेट इंडिया की वो बिल्कुल दब गई हैं या खत्म सी ही हो गई हैं, आपके हिसाब से इन सब की वापसी होगी? और क्या आप कोई अपना जो कॉर्पोरेट एक्सपेंशन था या कैपेसिटी एक्सपेंशन था उसमें कोई नंबर और बढ़ाएंगे क्या? हिंदुस्तान में तो आज $400 बिलियन का इंपोर्ट होता है और ये $1 ट्रिलियन का इंपोर्ट हो जाएगा, हिंदुस्तान जर्जरा जाएगा। ये चीज होने से हिंदुस्तान को अपना प्रोडक्शन, अपना तेल बनाना ही पड़ेगा, अपना गोल्ड बनाना ही पड़ेगा, अपना कोल बनाना ही पड़ेगा, ये सारी चीजें हिंदुस्तान को खुद बनानी पड़ेगी। धरती माँ कह रही है कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं और इस कदम में बढ़ेंगे तो इसमें जितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, जितने SMEs छोटी छोटी कंपनियां आएंगी वो सारी आएंगी। और ये करने से एक जो सबसे बड़ी रुकावट रहती थी कि जो फंडिंग की रुकावट रहती थी, वो ये एक जो कदम हुआ है उससे आगे बढ़ेगा। दूसरा, अगर पब्लिक सेक्टर पर ध्यान देंगे, नेचुरल रिसोर्स पर ध्यान देंगे,
तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, बट अच्छा कदम है, आप कुछ भी कह लीजिए, ये अच्छा कदम है जी। अग्रवाल साहब, तो आपकी सिर्फ दो उम्मीदें बची हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्हें और मजबूत किया जाए, और जो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंस जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की साइकिल है वो ठीक होगी। आपसे बात करके बहुत खुश हुई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस बाजार पर नजर डालते हैं, बाजार में और तेजी आपको देखने को मिल रही है, निफ्टी फ्यूचर्स लगभग 450 पॉइंट ऊपर हैं, लगभग 4.1% की आपको तेजी देखने को मिल रही है, 11,150 के आसपास ये निफ्टी स्पॉट चल रहा है आपके सामने, 11,137 और 19 के 19 सेक्टर्स FNO में बहुत जबरदस्त इस वक्त हरे निशान में चल रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, सीमेंट स्पेस खासकर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से फिलहाल देखने को मिल रही है। 5-6 जो सीमेंट स्टॉक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको श्री सीमेंट में देखने को मिलेगी, 12% ऊपर। इसी तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट में 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है, ACC, अंबुजा सीमेंट, ग्रासिम और रैमको 5-7% ऊपर हैं। ये तो आपके सामने बाजार का नज़रिया है। हमारे साथ लक्ष्मण जी भी जुड़े हुए हैं फिलहाल स्टूडियोज़ में दिल्ली से। लक्ष्मण जी बताइए, और क्या कदम हैं सरकार के तर्कश में जो कि वो उठा सकते हैं इस बाजार को और इम्प्रूव करने के लिए या इकोनॉमिक सेंटिमेंट को और सुधारने के लिए? मैं बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि कई बड़े बड़े दिग्गज हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं। पहली बात, सरकार निवेशकों की उस चिंता को दूर करेगी जो निवेशक आगे चलकर बोलेंगे कि आपने 1,35,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं तो आप इसको कैसे भरपाई करेंगे। इसके लिए जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हलचल आपको देखनी पड़ेगी स्ट्रेटजिक सेल में, सरकारी कंपनियों में विनिवेश सरकार आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ी से करेगी। बाजार का माहौल वैसे ही सुधर गया, सरकारी कंपनियों को नॉन कोर एसेट है उसको बेचने की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात कि ये देखिए ऐलान कब हो रहा है, ये ऐलान हो रहा है PM के अमेरिका जाने से ठीक पहले, यानी अमेरिका में जा रहे हैं PM, तो वहाँ पे जो कंपनियाँ हैं उनसे मुलाकात के दौरान ये कहा जाएगा अब आइए, अब देखिए माहौल कितना बेहतर हो गया, दुनिया में सबसे बेहतरीन माहौल है। तीसरी बात कि GST काउंसिल की बैठक से ठीक पहले ऐलान किया गया है, तो अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऊपर इस बात का दबाव नहीं है कि GST में आप कोई बड़े फैसले ले लीजिए, क्योंकि GST में अब रेट कटौती की संभावना मुझे लगता है बहुत हद तक कम होगी क्योंकि पहले ही फिस्कल स्ट्रेस पे दबाव डाल रखा है। लक्ष्मण जी, आपने एक बात बहुत सही कही, डाइवेस्टमेंट पे और तेजी पकड़ सकते है सरकार की नीति। आपने कल एक कहानी बहुत जबरदस्त चलाई थी जिसमें 12 कंपनीज ऐसी हैं जिसमें सरकार अपना जो स्टेक 51% से ऊपर है उसको लगभग 51 के नीचे लाएगी। वैसे तो हर बाजार में और हर सेक्टर हर स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकारी कंपनीज जो हैं वो भी बहुत ऊपर चल रही हैं फिलहाल बाजार में। मैं 3-4 नाम लेता हूं आपके सामने, आप देखिए क्या जबरदस्त आपको रैली देखने को मिल रही है। ONGC लगभग 1.4% ऊपर है, BPCL में आपको 3% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, गेल 1.5% ऊपर, HPCL 3.3% ऊपर, IGL 2.5% ऊपर और IOC 1.3% ऊपर। विकास खेमानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास जी आपका स्वागत है। आपका पहला रिएक्शन इन 5 डेवलपमेंट्स पे, कट इन कॉर्पोरेट टैक्स और जो जो बाजार की ज़रूरतें थी टैक्स कट्स में वो भी आपको मिला है? जी ये बिल्कुल बहुत ही गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। इससे सिस्टम में एक इक्विटी कैपिटल रिलीज होती है, इससे सिस्टम में बहुत बड़ा पावर होता है। आज जैसे कि जैसे FM ने बताया कि 1,40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा इक्विटी सिस्टम में जाएगा, तो उससे क्या होगा कि एक एनिमल स्पिरिट रिवाइव होता है, एक जो पॉजिटिविटी है तो वो रिवाइव होती है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा इकोनॉमी में, ये मुझे लगता है यहाँ से इकोनॉमी की टर्निंग अराउंड होगी। आप देखेंगे तो पिछले 3-4 हफ्तों में FM ने जो भी अनाउंसमेंट किए हैं वो 3-4 विषयों के बारे में हुआ है। एक तो क्रेडिट साइकिल को रिवाइव करने को है, दूसरा लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए है, तीसरा इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करने के लिए, चौथा सेंटिमेंट को रिवाइव करने के लिए है। तो आप देखेंगे तो ये सारे के सारे मेजर्स उनके सब आपने बहुत सही बात करी सेंटिमेंट पे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ निफ्टी पे नज़र डालें तो लगभग 425 पॉइंट ऊपर है। मुझे नहीं पता आप टेक्निकल चार्ट देखते हैं नहीं देखते, लेकिन फिलहाल जो एक 200 DMA का लेवल था वो उससे ऊपर चल रहा है। आपकी राय में और ज़बरदस्त आपको शॉर्ट कवरिंग आने की आशंका है या नहीं? बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आप देखें तो पिछले समय में कुछ माहौल बन गया था कि मार्केट में कुछ हो ही नहीं सकता, रिवाइवल होने में बहुत समय लगेगा। तो जैसा कि मार्केट में कोई भी कैटलिस्ट ऐसे ही आता है, नीचे भी जाता है तो ऐसे बता के नहीं आता, सडनली कैटलिस्ट आता है, पर ऊपर भी जाता है तो ऐसे कैटलिस्ट आता है। तो मुझे लगता है मार्केट इसको बहुत ही पॉजिटिव लेगा, और जो एक बाजार में मंदी के माहौल में जिन लोगों ने शॉर्ट की हुई थी वो बिल्कुल एटलीस्ट लॉन्ग नहीं जाएंगे, पर एटलीस्ट काटना तो उनको पड़ेगा ही।
तो उससे एक बाजार में ये जरूर बात हो रही थी कि इस बार बियर्स को हिमालय नहीं साइबेरिया भेजा जाएगा, तो वो आपके सामने बिल्कुल उनकी तैयारी है। लगभग 436 पॉइंट की रैली, 4% आप बाजार में तेजी देखने को मिल रही है फिलहाल 11,130 के आसपास स्पॉट निफ्टी में। विकास जी, आपकी बाय लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं फिलहाल, या कौन कौन से सेक्टर्स पर आपका रुझान है लॉन्ग साइड पर? देखिए, ऐसे तो हमारा अभी तक फाइनेंशियल और जो है कंजम्पशन के स्टॉक्स को लेके ही है, और इनका सबसे बड़ा फायदा आप देखेंगे तो फाइनेंशियल और कंजम्पशन के स्टॉक में सारे के सारे जो कंपनीज होते हैं वो 35% के आसपास टैक्स रेट पे कर रहे होते हैं, तो उनके जो अर्निंग है सीधी उनके टैक्स रेट में 10% की गिरावट आ गई है, तो उनको एक बहुत बड़ा फायदा होगा, उनका आरओई बढ़ जाएगा, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ जाएगा और आने वाले समय में सस्टेनेबल रहेगा। तो ये उन दोनों सेगमेंट को बहुत बड़ा फायदा करता है। तो मैं खाली आज के एक मुंह की बात बता रहा हूँ, उसके अलावा जो आप देखेंगे तो फाइनेंशियल और कंजम्पशन के अंदर बहुत बड़ी आने वाले समय में ग्रोथ और रिवाइवल की संभावना भी है। बात है, तो ये एक तरह से बजट का जो मूड देखिए बिगड़ा था वो पूरी तरह से देखिए रिवर्सल हो चुका है, और क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। तो आज असल में किमानी जी कहा जाए, ये असली बजट तो आज पेश हुआ है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो बजट के बाद में एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट हुआ था वो आज आई थिंक मुझे लगता है उसका रिवर्सल हो गया है, और मुझे लगता है भारतीय बाजारों का अभी जो बॉटम है बन चुका है, यहाँ से आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा होगा। आने वाले समय में धीरे धीरे बाजारों में सुधार आएगा, और ऐसे जैसा कि हम लोग एक फेस्टिवल सीजन के अंदर जाएंगे अभी, तो डिमांड का भी थोड़ा मुझे लगता है रुझान अच्छा रहना चाहिए। तो ये सारे जितने भी मेजर्स लिए गए हैं, तो इसका एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मैसेज ये जा रहा है कि गवर्नमेंट विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू ड्राइव द इकोनॉमी, ये एक जो कॉन्फिडेंस मेरे को लगता है मार्केट को, इकोनॉमी को भी मिल जाएगा। आपके मित्र समीर अरोड़ा साहब जो सिंगापुर में बैठते हैं और मेरे ख्याल से पिछले 4 महीने से काफी दुखी थे, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि बाहर भी किस तरह से तेजी चल रही है। सुनिए, दिस इज नॉट बिगर देन द बजट, दिस इज बिगर देन द लास्ट 20 बजट्स। तो जो 20 बजट हो गए ये समझ लीजिए 1999 के आसपास एक ड्रीम बजट आया था 1997 में जो चिदंबरम साहब ने दिया था, उनका मानना है अरोड़ा साहब का ये पिछले 20 बजट से ऊपर है। चलिए, वल्लभ बंसाली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही बाजार के पुराने दिग्गज और कॉर्पोरेट इंडिया के जाने माने हस्ती। बंसाली साहब आपका स्वागत है, आपका पहला रिएक्शन इन 5 डेवलपमेंट्स पर। बंसाली साहब आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? कोई बात नहीं, बंसाली साहब के पास शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ बंसाली साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, लेकिन आनंद राठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राठी साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर, आपका पहला रिएक्शन एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म डन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हमेशा ये टैक्स रेट की बात कई सालों से चल रही है, टैक्स रेट कम होनी चाहिए, परंतु ये पहली बार इतना जबरदस्त इफेक्टिव जो है सरकार ने स्टेप लिया है जिसमें टैक्स रेट्स आर नाउ ब्रॉट डाउन टू व्हाट इज कंपेरेबल इन अदर कंट्रीज। और बड़ा अच्छा ये भी किया कि भी ऑप्शन दे दिया कि जिसको साथ में प्रोविजन इंसेंटिव प्रोविजन यूज करना तो वो करे, नहीं तो एक टैक्स रेट ले ले। मैं समझता हूँ ये रिफॉर्म बड़ा बड़ा रिफॉर्म है, और आगे राठी साहब आप बाजार के एक से एक बड़े प्लेयर के साथ जुड़े हुए हैं, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो उनकी बहुत ज़बरदस्त मांग थी, जो एक्सेसिव सरचार्ज है वो हटाया जाए डेरिवेटिव सेल्स पर, कैपिटल गेन्स पर एक्सेसिव सरचार्ज हटा है इक्विटी सेल्स पर, आपके हिसाब से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और खासकर FIIs इसको किस हिसाब से लेंगे? सब शायद आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन हेमंत जी आप इंतज़ार कर रहे थे FII नंबर का जो कि 4 डिजिट में बाय नंबर हो, आपको क्या लगता है आज शाम को क्या होगा? बिल्कुल, देखिए बाय तो होना ही चाहिए, और ये बात तो पक्की है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों को भी निवेशक भी इसके हाथ इसको हाथों हाथ लेंगे। और देखिए समीर अरोड़ा साहब का ट्वीट इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है, जिस तरह से देखिए ये बाहर से बैठ के भारत को देख कर ये भारत में पैसा लगाते हैं, और देखिए यही ये हमारे दरअसल
फ्लैग बेयरर्स हैं विदेश में, और देखिए जब ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, और मुझे याद है इनके पिछले कुछ दिनों के ट्वीट खासतौर पर बजट के बाद के बड़े मायूसी भरे थे, और आज जितने एक्सपर्ट से आप बात करें, आप जब अंदर शो कर रहे थे तो मेरी कई से बात हुई है, वो यही कह रहे थे कि इससे बढ़िया दिन हो नहीं सकता। तो दरअसल असली बजट तो आज भारतीय बाजार मना रहे हैं, और ये गोवा से जाकर देखिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि गोवा के मंच पर जाकर इस तरह का होगा, तो अनएक्सपेक्टेड था, कहीं किसी को कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था कि इतनी सारी मेजर्स की झड़ी लग जाएगी, और वो देखिए आज हुआ है, और इसीलिए बाजार जो है वो सैल्यूट कर रहा है आज निर्मला सीतारमण जी को। और इससे पहले किस तरह की बातें हो रही थी सोशल मीडिया में आपने देखा ही था, लोग कैबिनेट रीशफल तक पहुंच गए थे, तो आज ये देखिए जो जवाब है ये निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही करारा दिया है। आप देखिए एक हमारे दर्शक हैं श्री गौरव सिंह जी, उन्होंने आपको और मुझको ट्वीट किया है और उसमें लिखा है दिस इज द फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक By N. Sitharaman on the beers. तो बहुत ही जबरदस्त बात आपने कही है गौरव सिंह साहब, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हेमंत जी थोड़ी देर पहले भसीन साहब जुड़े हुए थे, उनकी बाय लिस्ट मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ हमारे दर्शकों के फायदे के लिए। डायरेक्टर साहब आप दिखाइए, लार्ज कैप्स में भसीन साहब की पसंद है HDFC, उसके बाद ICICI बैंक, टाइटन और हैवल्स, इन चार स्टॉक्स पर नजर डालिए, आपके सामने ये सारे आएंगे। ये देखिए फिलहाल 6%। हेमंत जी ये नंबर जरा कुछ अजीब से नहीं लगते, 1600 पॉइंट का गेन आपको निफ्टी, माफ कीजिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तो पे देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं बाजार में सब कुछ मुमकिन है, तो ये उसका उदाहरण है। देखिए बाजार में सब कुछ पॉसिबल है। सुबह आज हम इसलिए सुबह कहते हैं बाजार को आपको दो हिस्सों में बांटना चाहिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उसके कहने के पीछे तथ्य यही था कुछ भी हो सकता है देखिए, और लोग जिस तरह से आदी हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शॉर्ट करने के लिए, देखिए वो लोग फंसे हैं। तो हर चीज देखिए समय के हिसाब से बदल जाती है। अच्छा आप हमारा ट्वीट ये देखिए जो आपको टिकर पे देखने को मिल रहा है, आइशर मोटर्स में 30 साल में सबसे बड़ा आपको इंडिविजुअल गेन देखने को मिलेगा, ये हमारे टिकर की माहिरी है। आप देखिए लगभग 2000 रुपये ऊपर है आइशर मोटर्स, 12% का इजाफा, फ्यूचर्स में लगभग 17,765 के आसपास। सबसे अच्छी चीज़ शैल जी जो हुई है वो ये हुई है कि इससे कॉरपोरेट इंडिया खुश होगा। देखिए फाइनेंस मार्केट बाजार के पार्टिसिपेंट्स तो हैप्पी हैं ही, आज जो स्टेटमेंट्स आए हैं उससे कॉरपोरेट इंडिया भी हैप्पी है, उनका कॉरपोरेट टैक्स रेट देखिए घटा है, और यही तो कॉरपोरेट इंडिया है जो कि खर्च करके आगे इंडस्ट्री लगाएगा, जो कि रोजगार पैदा करेगा, तो इनको खुश करना बहुत जरूरी था। तो आज एक तीर से इतने शिकार हुए हैं जिसका हिसाब नहीं, बेयर्स तो मरे हैं वो मरे ही, लेकिन देखिए बुल्स तो खुश हुए ही हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ है चीज आज वो हुआ है कॉर्पोरेट इंडिया जो हैप्पी हुआ है, और वो आपको दरअसल नजर आ रहा है इन भावों पे। तो जो कॉर्पोरेट्स कुछ दिनों से अपने प्लेज छुड़वा रहे थे उन स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। अच्छा बायबैक वाला मुद्दा देखिए कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा था, विप्रो का स्टॉक देखिए। यस तो आप देखिए करण मजूमदार जी ने भी देखिए कांग्रेचुलेट किया है, वो हमारे साथ शायद जुड़ चुकी हैं। हां बिल्कुल जुड़ चुकी हैं किरण जी, बहुत ही शानदार काम निर्मला सीतारमण जी ने किया है, आप जाहिर सी बात है बहुत खुश होंगी, आपका पहली प्रतिक्रिया दीजिए। जी ये बहुत ही शानदार काम मूव किया है, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि FM ने इतनी बड़ी यू नो मूव की है, क्योंकि ये इससे बहुत ही अच्छा फायदा होगा हमारा इकोनॉमी के लिए। हमारा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल जो सफर कर रही थी अभी बहुत ही अच्छा चलने वाली है, और मैं जानती हूँ कि ये हमारे कैपिटल मार्केट्स भी अभी मजबूत होंगे, और हमारे सब ये हमारे जो इकोनॉमी है वो जरूर उनको काफी फायदा हमारे इकोनॉमी को होगा। मिसेस शो आपने इकोनॉमी के फायदे की बात करी, अक्सर ये आंकड़े लगाए जा रहे थे कि जो एनिमल स्पिरिट्स हैं कॉर्पोरेट इंडिया की वो बिल्कुल दब चुकी हैं। जो ये आपने दो डेवलपमेंट्स देखे हैं कट इन कॉर्पोरेट टैक्सेस, जो फिलहाल साउथ एशिया में हम बिल्कुल कंपेटिटिव हो गए हैं, कुछ आप उम्मीद जता रही हैं कि वापस इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू होगी और केपेक्स प्लान्स अब दोबारा आएंगे? जी मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये होगा, क्योंकि आपने सही कहा है कि ये जो एनिमल स्पिरिट्स जो थी इंडिया इंक का बहुत ही दबा हुआ था, और अब मैं समझती हूँ कि इस यू नो कॉर्पोरेट टैक्स अनाउंसमेंट से काफी लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा इंडियन कंपनीज के लिए, क्योंकि विश्व में हमारा जो इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस जो था वो हमारे हाई टैक्स स्ट्रक्चर से हम यू नो हम बहुत ही हमारा नुकसान हो रहा था,
तो अभी मैं मानती हूँ कि इस बहुत ही बेहतरीन अनाउंसमेंट से हमें काफी फायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कंपेटिटिवनेस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक यू विल सी मच ग्रेटर इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस. आज जिन लोगों से हमारी इस मंच पर बात हो रही है वो किरण जी यही कह रहे हैं कि दिवाली तो दरअसल आज ही है, एडवांस में आ गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं बजट से बड़ा मूव है. आपकी आप भी उसी राय से सहमत हैं? नहीं देखिए, आई थिंक हम काफी लोगों ने बजट के बाद ये सजेशन दिया था. मैंने भी बहुत ही रेकमेंड किया था कि प्लीज लोअर कॉर्पोरेट टैक्स, और मुझे बहुत ही खुशी है कि एफएम मान गए हैं और ये मूव से बहुत ही फायदा होने वाला है हमारे इकोनॉमी के लिए. किरण जी तो ये बड़ी बड़ी खुशी की बात है. जी किरण जी, आपसे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिलहाल आप देखिए निफ्टी में, हेमंत जी मुझे याद नहीं आ रहा 500 पॉइंट की तेजी. आप बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट चलाते थे, आज देखिए बाजार ने निफ्टी में आपको 500 पॉइंट की तेजी दी है. 4.6% ऊपर है इंडेक्स, और सारे शेयर, मेरे ख्याल से 48 शेयर तो मैंने देखे थे जो हरे निशान में थे, और सिर्फ दो ऐसे नहीं, सिर्फ एक ही ऐसा शेयर है जो आपको लाल निशान में दिख रहा है, वह है जी एंटरटेनमेंट. तो 49 out of 50, आप देखिए 100% पूरा बाजार निफ्टी में ऊपर चल रहा है, और सेंसेक्स में लगभग आपको 1700 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है. एडवांस डिक्लाइन रेशियो और बेहतरीन होता हुआ. एक और चीज जो हुई है, देखिए बॉन्ड मार्केट ने इसके ऊपर किस तरह से रिएक्शन दिया है. आप देखिए 71 के 72 की बातें होने लगी थी पिछले 2-3 दिनों में, जब कच्चा तेल देखिए ऊपर था, और उसके बाद आज देखिए 70 रुपए 70 पैसे तक देखिए हम गए, यानी 71 के स्तर को देखिए अब हम नीचे आ गए. तो रुपए ने जो थम्स अप दिया है ये भी बहुत ही बढ़िया बात है. जो स्टॉक्स नहीं चले हैं वो आईटी एक सेक्टर है जो इतना देखिए अच्छा प्रदर्शन आज नहीं दिखा रहा क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है, वरना ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते. तो TCS आज अगर आपको फ्लैट दिख रहा है उसका कारण दरअसल रुपया है, लेकिन रुपये ने जो थम्स अप दिया है देखिए वो बहुत ही शानदार थम्स अप दिया है. तो रुपये की मजबूती मतलब बॉन्ड मार्केट ने भी देखिए इस खबर को हाथों हाथ दिया, और इक्विटी मार्केट्स में तो देखिए आज रैली देखने को मिल ही रही है. वॉल्यूम देखिए आप मार्केट के 10 लाख करोड़ रुपये, जनरली ये फिगर जो है ये सेकेंड हाफ के बाद हमारे हाथ लगता है. हम लोग जनरली देखते हैं कि 2 बजे के आसपास 1:30 बजे के आसपास 10 लाख करोड़ का वॉल्यूम होता है. तो सबसे अच्छी बात यह है वॉल्यूम के साथ खरीदारी हो रही है भारतीय बाजारों में, और आज का ये फिगर इम्पॉर्टेंट होगा, और लगता यही है पिछले कुछ दिनों से ये सबसे आगे होने वाला है, क्योंकि ये बाजार बता रहा है कि जो अभी तक साइड लाइन पर बैठे थे इंतजार कर रहे थे वो अब श्राद्ध के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल बाइंग कर रहे हैं. ये वॉल्यूम बता रहा है, हम नहीं कर रहे हैं. हेमंत जी ये जो श्राद्ध चल रहे हैं ना ये बियर्ड्स के चल रहे हैं. आप देखिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये जो रैली आ रही है इसमें और आपको इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग फिलहाल आपको देखने को मिलेगी. 11,200 के ऊपर इस वक्त निफ्टी है 5%. हेमंत जी आप ये देखिए हम लोग बात कर रहे हैं और रेट ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे आपकी पल्स बढ़ रही है. बिल्कुल आपने सही कहा. अच्छा कब हमने जो आप कह रहे थे ना, कब हमने देखा कि FNO वाले स्टॉक्स में 10% के सर्किट ऊपर के लगने के बाद खुले हैं? आज 7 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 10% के सर्किट लगने के बाद देखिए वो सर्किट खुले हैं. जनरली आज सुबह सुबह की तस्वीर देखिए 2-3 स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर लोअर सर्किट लगने के बाद खुले थे वो सर्किट, और आज 10 ऐसे स्टॉक्स हैं. इंडिया बुल्स हाउसिंग, हालांकि ये शॉर्ट कवरिंग है हमें पता है, लेकिन देखिए क्या जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है. अच्छा सुबह तक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था इसके बाद GST. अब GST की कोई बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कोई बात नहीं कटना भी हो GST में तो फिक्र नहीं है, वैसे भी होप कम हो गई थी. मैं आपको 2 रिएक्शंस बताता हूं जो हमें ऑन स्क्रीन मिले. बसंत महेश्वरी साहब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे. उनका कहना था कि 14% जो आप 14% नहीं 14% जो टैक्स कट होगा आप उसमें हिसाब लगाइए कि किस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी निफ्टी की बढ़ेगी. सही है. और मैं आपको बताता हूँ इस वक्त निफ्टी में सबसे ज़्यादा बाइंग आपको HDFC बैंक में देखने को मिल रही है. FNO में भी ये स्टॉक लगभग 8% ऊपर है 1188 के आसपास. इसके पीछे कारण ये है कि अगर हम इसके 5-7 दिन के चार्ट देखें तो आपको एक बहुत बिकवाली का दौर दिखेगा, और अब आपको बहुत जबरदस्त बाइंग वापस आती हुई दिख रही है. एक और बात, आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अगर कोई चीज है
तो कॉर्पोरेट टैक्स है जी। ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है देखिए ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग इस समय हैशटैग है और सेंसेक्स सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग हैशटैग है। जनरली हम देखते हैं पॉलिटिक्स छाई होती है और आज देखिए सेंसेक्स और कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज्यादा हैशटैग्स जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं बाजार में। इसका मतलब पूरा जो देश है वो दरअसल इसकी बात कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो यहाँ पर हो। तो देखिए तेजी का ध्यान रखिए, ये तो बात हम लगातार कहते थे, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे कि भाई हर रोज तेजी क्यों करते हैं आप लोग, लेकिन देखिए सच्चाई यही है जब तेजी होती है तो वो बताकर नहीं होती और इतनी फोर्स के साथ तेजी होती है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से दरअसल नहीं खरीद रहे थे जो हम लोग कहते रहते हैं कि धीरे धीरे खरीदिए, तो देखिए फिर अब ऐसा लगता है मिस वाली फीलिंग। तो आज कई लोगों में वो मिस वाली फीलिंग आ रही है। देखिए फ्राइडे है आज, इससे बढ़िया फ्राइडे मैंने कई दिनों से देखा नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे आप। ये जो बंबई में बारिश हो रही है एक्चुअली ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बरस रहे हैं। यस आप देखिए वो आपको निफ्टी पे देखने को मिलेगा और हर तरफ आपको हरा निशान देखने को मिल रहा है। 19 के 19 सेक्टर्स एफएनओ में तेज हैं, 29 के 29 इंडिसीज हरे निशान में हैं और फिलहाल अगर आप निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 49:1 है। आपके सामने एनएससी और बीएससी के ये सारे रेशियोज एडवांसेस के बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में तो 12 शेयर हैं और 12 के 12 ऊपर हैं। आज अगर यूं समझिए कि 50 शेयर होते बैंक निफ्टी में तो वो आपको हरे निशान में देखने को मिलते। तो 20 मई के बाद एक दिन की सबसे बड़ी बढ़त। उदय कोटक साहब ने भी देखिए ट्वीट करके सरकार को बधाई दी है और कह रहे हैं बिग बैंग रिफॉर्म्स देखिए आज सरकार ने अपनाए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। देखिए जो शब्द कॉर्पोरेट टैक्स है ये हमने कितने दिन से इसमें कोई टिंकरिंग नहीं सुनी थी। पहले बजट में देखिए इसके रोडमैप दिया गया था कि इसको धीरे धीरे करके घटाएंगे, उसके बाद सरकार को चिंता हो रही थी कि किस तरह से पैसा देखिए जुटाया जाए और कॉर्पोरेट टैक्स में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात निर्मला सीतारमन जी ने आखिरी में कही, उन्होंने कहा 1,00,000 करोड़ रुपये ज्यादा का हम ये स्टिमुलस अपना रेवेन्यू फोरगो कर रहे हैं, यानी वो स्टिमुलस दे रहे हैं। शब्द दरअसल स्टिमुलस था। तो 1,00,000 करोड़ रुपए का स्टिमुलस जिसकी बात हम लोग याद है कुछ दिनों पहले करते थे बजट से पहले, वो दरअसल हुआ है आज। तो ये सबसे बड़ी बात आज आप देखिए जो 1,72,000 करोड़ रुपए आरबीआई से मिलने की उम्मीद थी वो वापस इकोनॉमी में झोंक दिए गए हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अनिल सिंघी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने एक पॉइंट और रेस किया हेमंत जी, कि आपने कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स काट दिया लेकिन पार्टनरशिप्स के लिए वो ही है जी। तो उनकी ये उम्मीद है कि आपको वो अनाउंसमेंट्स भी सुनने को मिलेंगे कि वहां पे भी टैक्स कट होंगे। 10 साल में एक दिन की इतनी बड़ी तेजी आपने सेंसेक्स निफ्टी में देखी नहीं है, इसको महसूस करिए, फील करिए और देखिए कैसा लग रहा है। तो सांस लेने में मजा आ रहा है। हेमंत जी आप देखिए, डायरेक्टर साहब जरा आप लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए निफ्टी का। जो आज की कैंडल है हरे निशान की वो पिछले 3 महीने के जो आपकी मूवमेंट है उससे ऊपर जा चुकी है। 200 डीएमए टूट चुका नीचे की तरफ से, 50 डीएमए टूट चुका और अब 20 डीएमए की बारी है। हेमंत जी ये चार्ट शायद मुझे और आपको अगले 20 साल देखने को ना मिले। देखिए किस हिसाब से जो तेजी है आपके सामने है। हमारे साथ स्टूडियोज में सचिन उत्तेकर साहब जुड़ चुके हैं। आपके सामने तेजी है सचिन जी, 0.5% निफ्टी ऊपर है, एक ट्रेड बताइए इस इंडेक्स पे। गुड आफ्टरनून शैल जी। इनफैक्ट जिस तरीके से मोमेंटम है और जिस तरीके से थ्रस्ट है, एक अहम लेवल यहाँ पर अचीव हुआ है जो है निफ्टी का 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो काफ़ी समय से इस पर्टिकुलर एवरेज को कॉन्कर करने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरीके से अभी फिलहाल ट्रेंड उभर के नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है 11,080 के नीचे जब तक निफ्टी अभी यहाँ से स्लाइड नहीं होता, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम जारी रह सकता है। इमीडिएट बेसिस से मुझे लग रहा है और 125 पॉइंट्स की तेज़ी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आई थिंक इसी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग बायस से ही ट्रेड करना चाहिए एंड क्वालिटी स्टॉक्स में ही रहना चाहिए, ना ही कोई मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में। बट आई थिंक जिस तरीके से फर्स्ट लेग ऑफ तेज़ी है तो यहाँ पर लॉन्ग्स ही इनिशिएट करने चाहिए 11,070 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, तो तेजी का ध्यान रखिए और दिग्गज स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छी रैली देखने को मिलेगी और इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो देखिए आज गजब की होने वाली है। एक चीज़ और होगी देखिए, वो ये कि इस रिफॉर्म्स के ऊपर चल जी वीकेंड पर सारे एनालिस्ट लिखेंगे रिपोर्ट्स और सोमवार को आपको सेंसेक्स और निफ्टी के टारगेट्स रिवाइज्ड मिलेंगे। क्यों तेजी होगी उसके पीछे, और देखिए सोमवार की बात हम आपको आज ही बता रहे हैं, ये सब होगा आप देखिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कदम उठाए गए हैं, जिस हिसाब से आज जो बाइंग हो रही है वो ये दर्शा रही है कि इसके बाद कुछ बड़े अपग्रेड्स भी आएंगे। रेटिंग अपग्रेड्स आप कैसे आए यू नेवर नो, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से जो है वो टारगेट रिविजन के अपग्रेड्स तो पक्का आएंगे, ये बात तो साफ समझ में आ रही है। और वो इसलिए आएंगे क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट टैक्स में जो कट किया गया है इससे कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ेगी और जब अर्निंग्स बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है बाजार में वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये
एक्सपेक्टेशंस सोमवार को और बढ़ जाएंगी कि ब्रोकरेज हाउस और फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस खास तौर पर अपने अपग्रेड देना शुरू करेंगे। काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बहुत देर से हमने ब्रेक नहीं लिया। ब्रेक के बाद आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो कि भागेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे इस खबर के बाद। कोई बात नहीं, अगर आपने अब तक कोई ट्रेड नहीं लिया है तो अभी भी मौके होंगे। ब्रेक के बाद आपको सारी सूची बताएंगे कहां पर आपको ट्रेड लेने चाहिए।